फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का सफर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी लंबा चौड़ा। तो स्टार्टिंग करेंगे हम चोपता से, पहले जाएंगे चोपता और निकलते निकलते काफी लेट हो चुका हूँ क्योंकि करीबन 12:30 हो चुका है और कल रात भी ड्राइव करी है। उसका मॉर्निंग में 10 बजे करीबन चंपावत पहुंचा मैं। उसके बाद हमारा प्लान था आज निकलने का, तो काफी लेट हो चुके थे। अब उसको कैंसिल करना लास्ट मौके पे तो अच्छा लगता है नहीं, तो इसलिए निकलते हैं सीधे आगे को और चलते रहते हैं धीरे धीरे, देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं। क्योंकि 350 किलोमीटर चलने में तो काफ़ी रात हो चुकी होगी, पहाड़ का एरिया पूरा। पहाड़ पे ड्राइव करने में काफ़ी रिस्की होता है रात को। दिन पे ड्राइव करना इजी होता है बट रात को रिस्की होता है क्योंकि अंधेरे पे मोड़ वोड़ पे कोई दिक्कत पड़ती है। और चलते हैं लोहाघाट की और उसके बाद करते हैं फ्रेंड को रिसीव करते हैं, उसके बाद निकलते हैं आगे को। तो आज हमें जाना है भी चोपता तक, चलते हैं पहले फटाफट। यहाँ चोपता की डिस्टेंस जो है करीबन 350 के आसपास है, तो वहाँ से ट्रैक करेंगे कल तुंगनाथ का कल मॉर्निंग पे, क्योंकि आज और कल आखिरी 2 दिन है जब स्नोफॉल का बताया है वहाँ पे कि वेनसडे तक स्नोफॉल है, उसके बाद स्नोफॉल नहीं दिखा रहा था, उसके बाद धूप दिखा रहा है। तो स्नोफॉल में अटेंड करने का ट्राई करते हैं वहाँ पे फटाफट पहुँचने के लिए। रास्ते पे मिलने वाली है आपको कई सारी सुंदर सुंदर वादियाँ, काफ़ी बढ़िया जगह मिलेगी और स्नो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा साथ में। देखिए और क्या क्या मिलता है, काफ़ी बढ़िया नज़ारे देखने को मिलेंगे, ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा जिसको देख देख के आपका। तो सब लोग मिल चुके हैं साथ में, और ये रहा मंटू, और ये पीछे बैठा जो सचिन, और ये मेरा क्लासमेट बहुत पुराना बचपन का यार, लंगोटिया यार, चड्डी पहन के घूमता था मेरे साथ, रवि टमटा। तो जा रहे हैं हम लोग घूमने, अब देखिए काफ़ी टाइम लगता है और निकलते निकलते करीबन बच चुका है 1:30, और देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं और कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि अब 350 किलोमीटर करना तो काफ़ी टफ पड़ जाएगा। तो रास्ते में रुकने का प्लान करते हैं। और ये देखिए नज़ारे, हल्की हल्की बारिश और धूप के साथ में कितना शानदार लग रहा है आगे देखने में। और देखिए आगे कितनी अच्छी ग्रीनरी है, ये देखिए पूरा गांव में बसा हुआ, वहाँ पे खेत। और यहाँ का व्यू देखिए कितना जबरदस्त व्यू लग रहा है। और पहुंचे हम बागेश्वर, यहाँ पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो चुकी है, करीबन 6 बज गया और लग नहीं रहा कि 6 बजे, क्योंकि बादल भी लगे हुए हैं और उसकी वजह से अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और ये भाई, ये हमारी गाड़ी, और ये मोंटू भाई, ये देखिए, मतलब अगर दिन पे आए होते यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है। यहाँ पे हम जब लास्ट ईयर आए थे केदारनाथ के समय, तो यहाँ पर से काफ़ी बढ़िया व्यू दिख रहा है, जो ये बागेश्वर का व्यू है काफ़ी अच्छा है, बट अभी उतना साफ नहीं दिख रहा। तो अब निकलते हैं बागेश्वर से, ये करीबन 6:06 हो चुका है, थोड़ा खाना वाना खाते हैं नीचे मेन मार्केट में बागेश्वर की, उसके बाद निकलेंगे आगे को। और सोच रहे हैं आज पूरा एक प्लान करने चलने का, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं क्योंकि रात भी हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। और अब हम पहुँचे बागनाथ नगरी बागेश्वर में, तो देखा जाए तो बागेश्वर काफ़ी अच्छी जगह है, कभी यहाँ पर आने का ट्राई करते हैं, यहाँ का भी एक ब्लॉग निकालेंगे सेपरेट। तो हम लोग पहुँचे बैजनाथ पे, अभी रात को हो चुका है, सब मंदिर क्लोज हो चुका है, तो कभी वापसी में देखते भी आने का, अगर यहाँ के रास्ते आए तो इस मंदिर पे ज़रूर जाएंगे। और देखिए ये सामने पूरा झील है, यहाँ की बैजनाथ मंदिर की झील है पूरी, ये यहाँ से होते हुए वो लास्ट में जो आपको लाइटें दिख रही है सामने, वहाँ तक पूरी झील है। तो आते हैं वापसी में आने का ट्राई करते हैं, अगर यहीं के रास्ते आए तो मंदिर पर भी जाएंगे, दर्शन करेंगे ज़रूर, बैजनाथ के दर्शन करेंगे यहाँ पर ज़रूर। 7:15 हो चुका है और हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुकी है, क्योंकि नाश्ता ही किया था मॉर्निंग पर, उसके बाद फिर टाइम हुआ नहीं खाने का, रास्ते में रुकने का प्लान करते ढंग की जगह मिली नहीं, तो अब यहाँ पर मिला है, थोड़ा खाना वाना ऑर्डर करते हैं, उसके बाद निकलते हैं आगे को। वो इतने बड़े समोसे देखे हमने जो काफ़ी बड़े हैं, तो इनको देख के खाने का मन जरूर करा, तो पहले समोसे वमोसे खाते हैं, उसके बाद आ रहा है खाना, क्योंकि ठंड लग चुकी थी तो चाय भी पी रहे हैं हल्की फुल्की, बाकी खाना वाना खाते हैं। खाना आ चुका है जो काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी बढ़िया है। तो अभी एक भाई का एक सवाल था तो इसे जानते हैं, रवि अवली का है हिमाचल में देख रहे भाई को हिमाचल में अवली है, और तुंगनाथ कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अच्छा उत्तराखंड में तुंगनाथ है और हिमाचल में अवली है, अच्छा ठीक है ठीक है। तो मिलते हैं भाई से, अब इसको हिमाचल पहुंचाते हैं तो फिर दिखाते हैं आपको अभी सिर्फ खाने का स्वाद लेने में भी दिए वो। ये रास्ता जाता है चारों धाम की ओर, देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है। तो जैसे कि अभी टाइम हो रहा है 10:07 और हम पहुंच चुके कर्णप्रयाग, यहाँ पे कोई है नहीं पूछने को, भी हमें रास्ता वास्ता पता नहीं है, तो किसी से पूछने का ट्राई करते हैं, कोई मिलता है तो उससे रास्ता पूछते हैं, क्योंकि रास्ता पता नहीं है और दिख नहीं रहा, पूरी मार्केट सुनसान पड़ी हुई है,
तो यहाँ पीछे पुलिस चौकी है, उसमें जाते हैं, पता करते हैं, फिर दिखाते हैं कहाँ को रास्ते कहाँ है। गाड़ी वाले भैया मिले तो इनसे पूछा हमने कि कहाँ से क्या जाएंगे करके, तो उन्होंने कहा कि इस यही रूट सीधे आगे जाता है, यहाँ से आगे करीबन 30 किलोमीटर आगे रुद्रप्रयाग पड़ता है, तो रुद्रप्रयाग तक जाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं आगे को। वैसे ये कह रहे हैं कि रूट बंद है क्योंकि बर्फ़ पड़ रखी है आगे, तो उसके से रूट बंद है, अब देखते हैं क्या सीन होता है आगे जाके, लेकिन 30 किलोमीटर चलते हैं उसके बाद देखते हैं वहाँ से आगे को। आज फिर से गूगल मैप ने दिया हमें धोखा, करीबन रात के 100 बार हो चुका है और गूगल मैप दिखा रहा है अभी भी चोपता, जो हम जहाँ से आ रहे हैं वापस मुड़ के उस साइड का चोपता दिखा रहा है, और पता है यहाँ पे जो एक गाड़ी मिली हमारे सामने जो गाड़ी जा रही है ये यहाँ के लोकल पुलिस इंस्पेक्टर लोगों की गाड़ी है, तो इन लोगों ने बताया कि 2 चोपता है यहाँ पे, एक चोपता यहाँ पे है यहाँ से 12 किलोमीटर आगे जिस रूट पर हम जा रहे थे, और दूसरा चोपता है यहाँ का तुंगनाथ वाला, तो वो चोपता यहाँ से नहीं पड़ता है, वो रुद्रप्रयाग से पड़ता है, और हम काफ़ी आगे आ चुके थे यहाँ से, तो अब वापस जा रहे हैं, वो लोग हमें रूट दिखा रहे हैं आगे से, तो वो लोग काफ़ी हेल्प कर रहे हैं हमारी, हमें आगे की गाड़ी जा रही है उनकी, तो निकलते हैं उसके बाद देखते हैं कहाँ होता है आज रुकने का। अब सोच रहे हैं कि रुद्रप्रयाग में रुकते हैं क्योंकि अभी जाने का कोई हो नहीं पाएगा सक्सेस वहाँ पर जाना, क्योंकि रास्ते में बर्फ़ पड़ी है बता रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। वैसे रुद्रप्रयाग ही रुकते हैं, हम पेट्रोल भी चाहिए हमें क्योंकि पेट्रोल पर गाड़ी पर काफ़ी कम हो चुका है, वो काफ़ी रात हो चुकी है, करीबन 12:30 हो चुका है, और वो पुलिस वालों की वजह से ही हमें एक रूम भी मिला, और जो रूम तो है काफ़ी छोटा लेकिन ठीक है, जो भी है बेस्ट है, तो आज का स्टे यहीं पे है, आज मॉर्निंग तक रेस्ट करते हैं, कल सुबह निकलेंगे यहाँ से आगे को। अब देखिए नींद तो काफ़ी आ रही है, एक तो बिस्तर में घुस भी चुका है बिना कुछ हाथ मुँह धोए बिना फंसे। हमारा लेट होने का कारण सिर्फ एक गूगल मैप है, जो गूगल मैप की वजह से प्लेन्स पर तो जो भी है सब कुछ सही दिखता है, गूगल मैप पे सब परफेक्ट होता है, बट पहाड़ों पे काफ़ी दिक्कत है, देखिए छोटी मोटी रोडें जो होती हैं वो गूगल मैप शो नहीं कर पाता है, इसलिए ड्राइवर्स कर देता है, इस वजह से हमें काफ़ी परेशानी और कंपनी पहुँचने में काफ़ी लेट हुआ हमें।